हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैम्फरा चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी अच्छे ही होंगे। आई होप के गाइस कल का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे हमें कि डेली रूटीन के ऊपर वीडियो अपलोड करो। तो हमने कल सुबह से लेकर शाम तक का अपना जो भी डेली रूटीन का था हमने पॉसिबल हुआ उतना हमने किया है। अभी उस वीडियो को लाइक और शेयर करना वो आपके हाथ में है। नहीं वैसे तो बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, हमारे कमेंट भी बहुत अच्छे आए हैं। और उससे पहले का वीडियो जो फरहान ने अपलोड किया था उसमें तो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, ऐसे ही विदाउट समीर वाला। हाँ आई थिंक लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें समीर नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है कि आपने टाइटल जो ऐसे ही डाला है ना विदाउट समीर, तो लोग मतलब सोच रहे होंगे ऐसा सोच रहे कि विदाउट समीर ऐसा क्या है, फर्क क्यों, कैसे अकेली आई। हाँ तो वही सोच रहे हैं। हाँ तो मैं थोड़ा बिजी था काम में, इस वजह से मेरे को नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने फरा के भी वीडियोस को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हर एक वीडियो को हमारे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आज के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को तो पता है हमने क्या ऑर्डर किया था, कैमरा तो लिया है, कैमरा तो हमने ऑलरेडी लिया है, हमने आपको बताया भी है, हमने स्टैंड ऑर्डर किया था। और मैं आज बहुत खुश था क्योंकि कल मेरे को मैसेज आया था कि आज मेरे को मिल जाएगा स्टैंड करके। और मैंने क्या किया, रात में सोने से पहले मेरा मोबाइल पूरा साइलेंट कर दिया, मैंने भी, हाँ दोनों ने मोबाइल साइलेंट कर दिया और मैं सो गया। फिर सुबह मेरे को जो स्टैंड वाला जो आया था डिलीवरी देने, वो तो इतने कॉल कर करके थक गया मेरे को, पाप बेचारे ने। सुबह उठ के हमने देखा तो फरा की नींद खुल गई, तो उन्होंने देखा कि कॉल आ रहा है मेरे नंबर पे कंटिन्यू। कितने बार कॉल किया उसने? हाँ, 7-8 टाइम्स किया। तो कंटिन्यू बेचारा कॉल कर करके थक गया, हम घोड़े बेच के सो गए। उठ गई तब मैंने मेरे फोन पे देखा, उस पे भी फोन आज आया था, तो फिर मैंने फिर से कॉल बैक किया बाद में, उसके ऊपर तो नाम तो आया था। फिर मैं जैसे ही उठा तो फरा ने मेरे को बोला कि समीर आपका ऑर्डर आ चुका है स्टैंड। तो मैं इतना खुश हो गया, मतलब बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था, क्योंकि अभी हम सेटअप कैसे करते हैं, ऐसे एक चेयर पे रखते हैं, वहाँ पे कैमरा रख के हम शूट करते हैं, स्टैंड नहीं था तो हमने सोचा कि स्टैंड ले लेंगे, अच्छा हो जाएगा उसके लिए करके। तो मैं आज बहुत खुश था और मैं उसको बार बार कॉल कर रहा, और एक्चुअली मैं आज बाहर जाने वाला था, मेरे बाल मेरे को कट करना था, बट उसने बोला कि नहीं मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा आपके घर पर, आप घर पर रहो। मैं ठीक है, मैं वेट करा कितने देर किया उसने, एक घंटा तो किया उसने आने के लिए। फिर उस चक्कर में मैंने गया भी नहीं बाहर, सब नाश्ता हो गया, फरा का पूरा काम हो गया, फिर हमने नाश्ता भी किया, वो आया एक दो घंटे के बाद। फिर मैं ठीक है, खुशी थी कि स्टैंड मिलने वाला है मुझे, तो गया फिर मैं नीचे जाके लेके आया। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूं, पर मेरे को रह नहीं जा रहा था, मैं बहुत एक्साइटमेंट था स्टैंड के लिए। तो फरा ने बोला ठीक है चलो अनबॉक्सिंग करो, हम देख लेते हैं। जैसे ही अनबॉक्सिंग किया, अभी आप ही बोलो, सोचो क्या हुआ होगा, जितना मैं खुश था ना एकदम से पूरा ये हो गया मेरा। क्या बोलो अभी अभी खुद को मेरे पे, मेरे को हंसी आ रही है। क्या हुआ एक्चुअली, जैसे मैंने ओपन किया तो सब पार्ट्स जो रहते हैं स्टैंड के अलग थे। फिर मैंने देखा, मैंने बोला फरा कुछ तो मिसिंग है इसमें, मुझे कहने लगे स्क्रू मिसिंग है। हाँ मैं बोला फरा नहीं डैमेज है ये, फरा ये डैमेज वाला आया। फिर मैं एकदम टेंशन में आ गया यार, इतना मैं कितने दिन से वेट कर रहा था और मैं इतना खुश था, और अचानक ये डैमेज आ गया, अभी क्या करना। फिर मैंने चेक किया तो नहीं समझ रहा था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा था उसका। फिर मैंने डायरेक्ट जो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने फ्लिपकार्ट वालों को कॉल किया, मैंने बोला कि आपका आइटम डैमेज है, मेरे को उसको कैंसिल करना है, रिटर्न करना है। तो फिर उनसे बात हो गई, मैं टेंशन में था, फरा जो बोल, मैं फरा की बात सुन ही नहीं रहा, मैं मेरी धुन में ही था, क्योंकि पहली बात तो इतनी खुशी थी मेरे को, और वो आने के बाद ऐसा निकला। फिर बाद में फरा ने बहुत फोर्स करके मेरे को नाश्ता कराया, जाने दो बोले लेंगे दूसरा, रिटर्न हो जाएगा। मैं बोला नहीं, इतने दिन तक वेट किया हमने। हाँ ना, लेकिन नाश्ता भी नहीं कर रहे, उसी में अपना ध्यान डाल रहे। मैंने बोली रहने दो, इतना मत परेशान हो, देखते हैं हम रिटर्न करेंगे, दूसरा ले लेंगे। कैसा रहता है ना, अभी बहुत दिन से हम कोई भी चीज़ को हम पसंद कर रहे हैं, अभी वो आ रहा है, हम उसका वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा अंदर से खुशी रहती है कि वो चीज़ नई चीज़ आ रही है, हम उसका वेट कर रहे हैं, पर वो आया ही नहीं अभी तक। बहुत फिर आने के बाद ऐसा निकलेगा तो किसी को थोड़ा तो बुरा लगेगा ही, बट फरा ने मेरे को बहुत समझाया, समीर जान दो अगर गया तो फिर हम यहाँ से जाके ले लेंगे। बोला मतलब ठीक है चलो फिर देखते हैं। फिर अभी ये फिर क्या हो गया? हाँ अभी आप ही बोलो क्या हो गया। फिर ये सेटअप करने लगे ये सब वीडियो बनाने के लिए। मैंने बोली एक बार लाओ जरा मैं देखती, आपने तो देख लिया है, एक बार मैं चेक करती कैसा है।
मैं देखने लगी मैंने बोला अरे ये तो इतना सा है, सिर्फ इसको स्क्रू ऊपर करने का, ये तो अच्छा चलो है, अभी आपको दिखाई देते हैं, यही है स्टैंड। मैंने अटैच किया, ये जो पार्ट था ये अलग था, ये जो ऊपर का इसका स्क्रू है ना ये नीचे से आया है। मैं देख रहा, मैं फरा को बोला भी, फरा डैमेज हो गया है, ऊपर स्क्रू ही नहीं है। फिर फरा ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, फिर अभी हम सेटअप कर रहे थे तो फरा ने लिया, बोले थोड़ा इधर दो, बोला मैं भी देखती, बोले कैसा तो है, बोला क्या, मैं बोला क्या करते देख के, फरा कुछ है ही नहीं उसमें। तो फरा ने नीचे से उसको स्क्रू को ऐसे पुश किया तो ऊपर आ गया हो, मैं इतना खुश हो गया, मेरे को लगा वो डैमेज है, लेकिन वो नीचे चला गया था, कब से मैं उसको ऐसे ही रखा था। फिर फरा ने पूरा सेटअप करके दे दिया, स्क्रू लगाने के लिए उसको चांस नहीं था, तो मैं समझिए ऐसा ही है, ऐसा ये ऐसे खुलता है ना, क्यों खोल रहे हो, ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे था, और ये स्क्रू ना ये ऊपर वाला ये ऐसे नीचे से था, तो मेरे को लगा वो डैमेज ही है, ऐसे पुश करने का था, तो फरा ने ऐसे किया तो ऊपर आ गया। और ये आप सोच रहे होंगे कि छोटा स्टैंड है, हाँ ये हमने मोबाइल के लिए लिया है, कैमरे वाला अभी ऑर्डर किया है वो भी आएगा, ये एक्चुअली मोबाइल के लिए, क्योंकि हमें ऐसे पकड़ने, ऐसे पोजिशन पर जो व्लॉग बनाते हो ऐसे पोजीशन पे हमारे पकड़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी हमारे को, हाँ कंटिन्यू अभी कितने 7-8 मिनट का अगर वीडियो होगा तो कोई कंटिन्यू तो पकड़ेगा नहीं उस वीडियो को। तो ये व्लॉग के लिए मैंने देखा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर यही यूज़ करते हैं। मैंने भी सोचा कि अगर किधर हम बाहर जाए ट्रैवल को, मतलब ट्रैवलिंग अगर बाहर हम गए तो बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे हम ऐसे सेटअप करके इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, फिर ऐसे हम शूट कर सकते हैं, ये वाला अच्छा होगा, क्या बोलते फरा को भी ईजी, क्योंकि फरा को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इसे पकड़ने में, फरा को ही नहीं कि सबको प्रॉब्लम होती है। अच्छा है मगर ये, अच्छा है पर इतना छोटा सा है, और कैमरे पर भी ये होता है कहीं पर भी इसको, हाँ पर मोबाइल के लिए अगर कहीं बाहर गए तो व्लॉग, अगर हम व्लॉग शूट करें तो उसके लिए हाँ ऐसे आता है फरा, ये यहाँ पे देखो ऐसे होता ना, अरे अरे बहुत, हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे रख के हम कहीं पर भी इसको शूट कर सकते हैं। अरे ये दिख रहा भी नहीं, रिंगा एक मिनट पूरे ये हो रहा है, रिंगा ना मेरे को अच्छा लग रहा हो करने को, टूटता नहीं नहीं है, नहीं नहीं हाँ बस स्ट्रेट कर दो उसको, कर रही कर रही, अच्छा है ना गाइस, पर ये ना थोड़ा ऐसा बेंड क्यों नहीं होता समय, आई थिंक होगा उसमें भी कुछ, हाँ पहले हमने सोचा था ये टूट के ही आया है, ऐसा करे तो ऐसा, हाँ सही है, ये पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन है, ये बराबर चला, अच्छा है पर अच्छा मिला, कौन सा ये ट्रिपॉड कहते हैं इसको, ट्रिपॉड हाँ, कौन सा है क्या बता, कौन सी कंपनी का है, कंपनी तो मैंने देखा नहीं, कहाँ से कंपनी देखता मैं, जैसे मैंने खोला मेरे को लगा डैमेज ही है, तो मेरा पूरा मूड ही ऑफ हो गया आज, और मैं फरा को बोला आज मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, आज मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं फरा, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, पर अच्छा है फरा ने एक बार देखा, वरना मैं फेंका होता, अरे नहीं फरा मैंने बहुत दिन से इसको मैं ऑर्डर कर रहा था, आपके लिए किया था, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मोबाइल पकड़ने में, तो चलिए इसका तो हो गया, देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम इससे से वीडियो शूट करेंगे हम। तो गाइस कल के वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि फरा ने आपको पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है, और कल हमने ज़्यादा कमेंट, मैंने रिप्लाई किया है हर एक कमेंट को, मैंने रिप्लाई किया है, और आप ऐसे मत सोचो कि हम रिप्लाई नहीं करते, आप चेक कीजिए हम रिप्लाई भी करते हैं। और हमने आपको ये भी बोला था कि हम आपको ये नहीं बोल रहे कि कौन सी रेसिपी पे वीडियोस बनाओ, हम आपको रेसिपी पूछ रहे हैं, आप हमें पूरी रेसिपी मैसेज करो, हम बोल रहे इंस्टाग्राम पे हमने क्या कल अपना आईडी भी दिया था ना, कल के वीडियो में फरा ने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है इंस्टाग्राम का, तो हमने क्या बोला था डिस्क्रिप्शन में, हाँ आप बोलो ना फिर आपने क्या बोला था, हाँ मैंने बोला था कि जस्ट आप मुझे बताओ कौन सी रेसिपी ऐसी और जो यूनिक रेसिपी चाहिए थी ना मुझे, तो फिर वो मतलब मैं शूट कर दूंगी आप लोगों का, जिसने भी मुझे बताया मैं उसका नाम लेके वो शूट कर दूंगी, नहीं क्योंकि कुछ लोग ना कंफ्यूज हो गए, अच्छा। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप इस पे वीडियो बनाओ, ये रेसिपी बनाओ, हम वो नहीं पूछ रहे, आप अपनी रेसिपी हमें बताओ कि एक एक पॉइंट आप हमें बताओ कि ऐसे ऐसे बनाओ, हाँ ये डालना है वो डालना है, आप मुझे पूरी रेसिपी दो, फिर मैं एक पूरी रेसिपी का मैसेज आपके ले लूंगी और फिर मैं वैसे बनाऊंगी, सेम जैसा आप रेसिपी दोगे वैसा हम उस पे फरा बनाएंगी, फिर हम उस वीडियो में आपका नाम भी लेंगे, आपके इंस्टा आईडी का नाम भी लेंगे, हमने ऐसे बोला था आप लोगों को,
और मेरी एक फ्रेंड का है वो मुस्कान का, उसका भी चैनल है, उसका भी जरा बोल दो। कौन मुस्कान? वो लजीज मुस्कान लजीज रेसिपी विद मुस्कान करके है चैनल यूट्यूब पे है, लजीज रेसिपी विद मुस्कान, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। उनके भी वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, उनके भी रेसिपीज बहुत अच्छी है। हाँ मैंने भी, मैंने तो देखा नहीं है पर कमेंट्स आते रहते हैं। अभी फराने आई थिंक देखा होगा तो अच्छे ही होंगे। तो गाइज उनके भी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, उनको भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनकी भी आई थिंक रेसिपी अच्छी होंगी। बहुत अच्छी है उनकी भी, और मुझे भी बहुत सी रेसिपी बताते रहते हैं वो। लेकिन कैसा होता है कि मुझे मतलब वो चीज़ जो आती है वो ही देखने के लिए, वो बनाने के लिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे ऐसे चाहिए जो मुझे नहीं आता, थोड़ा डिफरेंट, अलग अलग, थोड़ा इंटरेस्टिंग। अभी अगर... आप सब अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग जगह से हो, तो उधर का मेन मेन बताओ। पॉइंट की बात है गाइस कि आप कैसे अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो अलग अलग स्टेट में उनकी कुछ अलग रहता है जाके। हाँ, वहाँ का स्पेशल क्या होता है खाने का, जो होता है ना, अगर हम वो बनाएंगे तो थोड़ा वीडियोस भी इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग वीडियो तो होगा और मुझे खाने का मौका तो मिलेगा। अभी हम दूसरे स्टेट तो जा नहीं सकते, अगर आप बताओगे तो फरा घर पे बनाएंगे, फिर वो मुझे भी मौका मिलेगा खाने का, और हमें भी इंटरेस्ट आएगा फरा को बनाने के लिए वीडियो। वो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं तो मुझे कमेंट में भी आप रेसिपी लिख के शेयर कर सकते हो, मैं उसमें से भी बना दूंगी। कमेंट में बहुत बड़ा होगा, आप अच्छा ही होगा कि इंस्टाग्राम पे। लेकिन इंस्टा पे भी कैसा होता है ना, मेरे ऑर्डर्स के भी बहुत रहते हैं, तो हाँ ठीक है, चलो मैं उधर अगर नहीं भी देख ली तो इस पे तो मैं जरूर देख के बनाऊंगी। बस आप मुझे सब कितना लेना है, क्या लेना है, क्या क्या डालना है, पूरा मुझे मेथड बता दो, मैं वो बना दूंगी। आज इसके चक्कर में अभी तक मैं मेरे बाल नहीं काटा, मेरे को शेविंग करना था, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा मूड ही ऑफ हो गया था। और वापस से अच्छा है फरा ने मूड मेरा अच्छा कर दिया। अभी देखते हैं, अभी हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज मैंने कल ही बोला था मेरा आज वीक ऑफ, तो मेरा वीक ऑफ ही है आज। तो हम अभी किधर जा रहे हैं फरा? फिश मार्केट ना? नहीं अब्बा गए उधर, अम्मी का भी फोन आया था, तो फिश मार्केट जाने वाले थे, अभी कैंसिल हो गया। अभी थोड़ा हम जाएंगे बोरियाली को, थोड़ा हमारा काम है वहाँ पे, और वहाँ का मेरे को ना क्या जो हम खाते हैं साबूदाने का वड़ा ना सबसे बेस्ट है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है साबूदाना वड़ा। हाँ साबूदाना वड़ा बहुत, क्योंकि ये लॉकडाउन में पूरा बंद था तो बहुत दिनों हमने खाया नहीं था, मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी हम जाएंगे वो खाएंगे, शायद हम वहाँ का वीडियो शूट नहीं करेंगे क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम पब्लिक होता है ना तो उधर अच्छा नहीं लगता है शूट करने के लिए, थोड़ा साइलेंट प्लेस, पीसफुल प्लेस होती है तो उधर शूट करने भी मजा आता है। इधर मतलब बहुत गर्दी गर्दी रहती ना, उधर नहीं जमता। ठीक है देखते हैं। और आपकी, आप कहाँ, कौन से स्टेट से हो वो भी बताइए, और आपके वहाँ पे लॉकडाउन कोरोना कैसा है या पूरा ख़त्म हो गया है अभी, ये भी है ना, ये भी बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पुणे में अभी ख़त्म हो गया है थोड़ा। ख़त्म हो गया है पूना, ख़त्म हो गया बाकी लोगों पुना, के लिए नहीं। पूना तो सबसे ऊपर पे है अभी कोरोना में, कितने पेशेंट मिले यहाँ पे, तो बहुत मिले हैं, 2 लाख के ऊपर गई है संख्या। क्योंकि अभी मैं भी जो बात करता हूँ ना, जो मेरे भी पैसेंजर होते हैं तो भी अलग अलग स्टेट से कॉल करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे जैसे कलकत्ता में अभी भी लॉकडाउन चला है, वहाँ पे अभी भी चला है लॉकडाउन, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो नहीं है। तो आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से भी बताइए कि वहाँ पे कैसा है, और अपनी भी खुद की भी सेफ्टी देखिए। लॉकडाउन की कहानी, और मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे लॉकडाउन की कहानी। अभी टाइटल होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो लॉकडाउन की कहानी, के लॉकडाउन में हमने घर पे कैसा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि शादी होने के साथ ही दो कितने सेकंड जुमा गए, लॉकडाउन ने हमको और ज्यादा करीब लाया। मैं बोलूंगा कि मैं कितना अपसेट था, मैं गांव को गया था, मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे लॉकडाउन की। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही बस। मुझे नींद भी बहुत आ रही है। हाँ देख रहे हैं ना, नींद आ रही है, सुबह जल्दी फरा जल्दी उठे हैं, जल्दी पूरा काम उन्होंने कर लिया है, मैं थोड़ा लेट करके उठा क्योंकि मेरा वीक ऑफ था। तो चलिए गाइस बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और दुआ में याद रखिए, हम फिर आएंगे एक नई वीडियो।